मेरा नाम है सालू, जहां मैं बात करती हूँ ब्यूटी, लाइफस्टाइल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड ब्यूटी एंड फैशन। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज थोड़ा सा समय देके मेरे और भी वीडियोस को चेक करिएगा। एंड अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल पे आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव मिल रहा है सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सो चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। वो के साथ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करूंगी। इनफैक्ट मैं अपने चैनल पे जितने भी वीडियो शेयर करती हूँ कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं अपने वीडियो के थ्रू आप तक पहुँचा पाऊँ, जिससे आपकी जो थोड़ी बहुत क्वेरी है वो सॉर्ट आउट हो पाए। सो आज का थंबनेल देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो बैकलेस ब्लाउज से रिलेटेड है। विदाउट टॉकिंग टू मच लेट्स जंप इनटू द सबसे पहला टिप है कि जब भी आप बैकलेस ब्लाउज पहनते हो आपका बैक हाईलाइट होता है, इसीलिए उसका नाम ही बैकलेस ब्लाउज पड़ा है। तो आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि आप जब बैकलेस ब्लाउज को फ्लॉन्ट करते हो आपका बैक बहुत ही ज्यादा क्लियर मीन साफ सुथरा होना जरूरी है। क्वेश्चन मेरा इंस्टाग्राम पे एक श्वेता झा बोल के मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने करा था। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करा कि दीप प्लीज इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाइए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे लगा कि ये बहुतों को हेल्प कर सकता है। तो अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपकी भी रिक्वेस्ट को पूरी करूँ तो प्लीज आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो अगर कोई वीडियो की रिक्वेस्ट है तो। और क्वेश्चन था कि मेरा जो स्किन है वो पेल है, मीन्स मैं वेटिस स्किन टोन की हूँ, तो मुझे बहुत ही ज्यादा साई फील होता है जब मैं बैकलेस ब्लाउज को पहनती हूँ। ऐसा लगता है कि मैं बैकलेस ब्लाउज को अच्छे से फ्लॉन्ट नहीं कर सकती हूँ। सो सबसे पहले बात तो श्वेता जी, आपका कलर कुछ भी हो आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखिए, बिल्कुल कलर कोई मायने नहीं रखता आपकी लाइफ में। तो आपका स्किन टोन कुछ भी हो, आप जब भी बैकलेस ब्लाउज पहनते हो आपकी पीठ का साफ सुथरा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखने वाले की नजर बिल्कुल आपके बैक पे जाती है। तो जब भी आप बैकलेस ब्लाउज पहनते हो आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बैक जो है बहुत ज्यादा मीन्स आपको ऐसा फील हो रहा है कि डार्क लग रही है, तो आप ब्लीच कर सकते हो जब आपको पहनना है। तो अगर आपके पास ये टाइम नहीं है सो आप इंस्टेंटली कोई भी स्क्रबर जो आपके पास अवेलेबल हो स्क्रब कर सकते हो। एंड 2 से 5 मिनट स्क्रब करने के बाद आपको एक अच्छी सी मॉइस्चराइजर लेके अपने बैक को हाइड्रेट कर लेना है, ताकि आपके बैक में इंस्टेंटली एक अच्छा सा ग्लो आ जाए। सो ये मेरा टिप नंबर 1 था। जब आप बैकलेस ब्लाउज पहनते हो तो आप अपने फेस का जो बेस मेकअप करते हो उसी तरह का मेकअप आपको अपने बैक पे भी करना है। एंड बिल्कुल भी आपका फेस का बेस मेकअप एंड आपकी जो बैक का बेस मेकअप है बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होना चाहिए कि ये पोर्शन किसी और का है एंड ये पोर्शन किसी और का है। तो क्योंकि आप जब ब्लैकलेस ब्लाउज पहनते हो तो आपका ये चेहरा मींस आपके जो हेड है फॉरहेड से लेके आपके बैक तक का पोर्शन बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड होता है, देखने वालों की नज़र आपकी अपर बॉडी में ज़्यादा जाती है। तो आप ऑलवेज ट्राई करिए कि आप जब भी ब्लैकलेस ब्लाउज पहनो अपने फेस के मेकअप के साथ साथ अपने बैक का भी मेकअप करो। नेक्स्ट टिप है कि जब भी आप बैकलेस ब्लाउज बनवाते हो अपने लिए आपकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, ना आपका ब्लाउज ढीला होना चाहिए ना आपका ब्लाउज बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए। इससे आपको 2 प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। अगर आपका ब्लाउज बहुत ज़्यादा फिटेड रहेगा तो आपकी वेस्ट एरिया के पास में एक लाइन क्रिएट हो जाएगी जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। एंड सेकेंडली अगर आपका ब्लाउज बहुत ज़्यादा लूज रहेगा, आपकी जो फिटेड है मीन्स बैकलेस ब्लाउज की ब्यूटी ही उसकी फिटिंग होती है, तो वो बिल्कुल लूज रहेगा तो वो आपका लुक को पूरा बिगाड़ के सकता है। तो अगर आपका ब्लाउज किसी रीजन से फिट नहीं है तो आप पिन भी अगर लगाते हो तो बहुत वाइजली आपको पिन लगाना है जिससे वो विजिबल ना हो। तो आपकी ब्लाउज की फिटिंग का सही होना बैकलेस ब्लाउज में इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रेगुलर ब्लाउज अगर ढीली भी रहती है तो चल जाती है, हम जुगाड़ लगा के हैक्स लगा के उसमें उसको फिटेड बना देते हैं, बट बैकलेस ब्लाउज में ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ, अगर कोई नई फैमिली मेंबर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। आपका एक एक शेयर मेरे ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सपोर्ट के बिना मैं बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रही हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड सब्सक्राइब करते हो तो प्लीज घंटा बटन को भी दबाइए, आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको बहुत ही इजिली मिलती रहे। तो बढ़ती हूँ नेक्स्ट टिप की तरफ, आप बैकलेस ब्लाउज बनवाते हो हमेशा ट्राई करो कि आप पैडेड ब्लाउज बनवाओ, क्योंकि पैडेड ब्लाउज अगर आप बनवाओगे तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं रहेगी कि आपके ब्रा के जो स्ट्रैप्स हैं वो विजिबल हो रहे हैं। बट किसी कारण से आप अगर किसी रीजन से आपका जो बैकलेस ब्लाउज है वो पैडेड नहीं है तो आप बैकलेस ब्रा उसके अंदर पहन सकते हो, जिससे स्ट्रैप बिल्कुल भी विजिबल ना हो। कि पहले एक वीडियो शेयर करा था कि अगर आप बैकलेस ब्रा परचेस करते हो तो आप अगर इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आपकी परचेजिंग और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगी एंड हेल्पफुल हो जाएगी। तो अगर आप चाहो तो इस वीडियो को चेक कर सकते हो। सो एक परफेक्ट इनर वेयर का होना आपकी बैकलेस ब्लाउज के लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका जो आपके
पास अगर बैकलेस ब्रा नहीं है या फिर पैडेड ब्रा नहीं है तो आप वीडियो को आप चेक करके बहुत ही इजीली आप बैकलेस ब्लाउज पहन सकते हो। तो बढ़ती हूँ नेक्स्ट टिप की तरफ। उसके पहले अगर अभी तक आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप लोग भी बोलोगे क्या दी आप लोग कितना प्रमोशन करते हो, क्या करूँ यार, करना पड़ता है प्रमोशन। तो अगर आप बैकलेस ब्लाउज पहनते हो तो एक राइट हेयर स्टाइल को चूज करना आपके लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है। अगर आपको चाहिए कि मेरा बैकलेस ब्लाउज ही दिखे तो आपके लिए सबसे बेस्ट हेयर स्टाइल होगा कि आप अपने बालों में बन बना लो, जो है बिल्कुल आपके ब्लाउज पे ही होगी, बैकलेस ब्लाउज पे होगी। बट अगर आप फर्स्ट टाइम बैकलेस ब्लाउज ट्राई कर रहे हो एंड आपको अनइजी फील हो रहा है तो आप ऐसे केस में आप सॉफ्ट कर्ल भी ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। या फिर ओपन हेयर आप ट्राई कर सकते हो, छोटे मोटे किसी भी तरह की मीन्स बिल्कुल आपको खुला नहीं रखना है तो आप कुछ इस तरह के हेयर स्टाइल चूज कर सकते हो, हाफ एंड हाफ हेयर स्टाइल चूज कर सकते हो। तो इस तरह से भी आप फर्स्ट टाइम बैकलेस ब्लाउज को वेयर कर सकते हो, ये बैकलेस ब्लाउज को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है। बढ़ती हूँ नेक्स्ट एंड लास्ट टिप की तरफ। ये एक टिप भी है या फिर मैं बोलूँ कि आप ये एक नोट भी है, जब भी आप बैकलेस ब्लाउज पहनते हो ऑलवेज आप ट्राई करिए हेयर स्टाइल है बिल्कुल ट्रेडिशनल ना चूज करें। आपको ब्रेड नहीं बनानी है, बिल्कुल भी ट्रेडिशनल ब्रेड जो रहती है या फिर किसी भी तरह की जो चोटी रहती है वो नहीं करना, वो बैकलेस ब्लाउज में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो बिल्कुल ट्रेडिशनल टच आपको अपने हेयर स्टाइल में नहीं देना है। तो ये मेरा नेक्स्ट एंड लास्ट टिप था। आई होप जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी भाभी की, मम्मी की, चाची की, फ्रेंड को, आस पड़ोस किसी को भी हेल्प कर सकती है तो प्लीज शेयर करिएगा, शेयर का बटन दबा दीजिएगा। रिक्वेस्ट है तो एज यूजुअल या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय। लव यू ऑल।